वेलकम टू कोडिंग डिजिटल। आज की वीडियो में हम एक Node.js, Express.js, MongoDB और DWT के साथ एक ई कॉमर्स ऐप की REST API बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा एजेंडा ये है, थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनेगा आज का। तो हम Node.js और Express.js के मदद थे, हम इतने स्टेप में मैंने डिवाइड कर लिया है अपने पूरे प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले हम एक Node.js प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे और उसके बाद सारी, आपको पता ही, सबसे पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं हम जितनी भी हमें रिक्वायर होती हैं प्रोजेक्ट में। उसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे एकदम जैसे हम प्रोडक्शन ऐप के लिए बनाते हैं, जो हमारी कहते हैं बड़े प्रोजेक्ट के लिए किस तरह फोल्डर स्ट्रक्चर होता है हमारा, उस तरह बनाएंगे। और उसके बाद हम सर्वर सेटअप करेंगे और अपना MongoDB डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, उसके बाद अपना MongoDB मॉडल वगैरह बनाएंगे, यूजर मॉडल, प्रोडक्ट कैटेगरी, बिट रिलेशनशिप, रेफरेंसेस, ठीक है ना। उसके बाद और फंक्शनलिटी बनेगी हमारी, और उसके बाद हम अपना कैटेगरी और प्रोडक्ट फंक्शनलिटी बनाएंगे, और कैटेगरी से और प्रोडक्ट में हम रिलेशनशिप के थ्रू बनाएंगे। और रिलेशनशिप कहते हैं जो हमारा चलता है MongoDB में, वो रेफरेंसेस के थ्रू चलता है। तो ये थोड़ा एडवांस फंक्शनलिटी और एडवांस क्वेरी कैसे कैसे गेट करते हैं हम रिलेशनशिप के थ्रू, कहते हैं प्रोडक्ट की जो कैटेगरी होगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा कहते हैं MongoDB के एडवांस फंक्शंस को भी और जो एडवांस क्वेरी होती हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर लेते हैं प्रोजेक्ट को npm init। साइज ये डिफ़ॉल्ट रखते हैं, एंट्री पॉइंट इंडेक्स जेएस, ठीक है। और हमारी पैकेज डॉट जेएसन बन गई। इसके बाद हमें इंस्टॉल क्या क्या करना है, npm i एक्सप्रेस, ठीक है। डॉट JSON web token, JSON web token हो गया mongoose bcrypt mongoose पार्स एंड बॉडी पार्सर, इतनी तुम्हारी डिपेंडेंसी रहेंगी और जो डेप डिपेंडेंसी होगी उसको हम डेप डिपेंडेंसी में इंस्टॉल करेंगे। पहले इतना इंस्टॉल कर लेते हैं। तुम्हारी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही हैं, तब तक हम अपना प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले फोल्डर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऐप। उसके बाद कॉन्फ़िग फोल्डर बनाएंगे, कॉन्फ़िग। उसके बाद बनाएंगे राउट्स, कॉन्फ़िग के अंदर नहीं, रूट फोल्डर में बनाएंगे राउट्स। ऐप हो गया, कॉन्फ़िग, राउट्स, ठीक है ना। तो ऐप के अंदर हमारा एक और फोल्डर, सब फोल्डर बनाएंगे, कंट्रोलर मॉडल्स, और मिडल वेयर्स भी अगर हमें बनाना होगा तो हम इसी के अंदर बनाएंगे। तो मिडल वेयर्स बना लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्फ़िग में हम एक नई फाइल बनाएंगे, database.js, और राउट्स में बना लेते हैं न्यू फाइल, कौन सी रहेगी हमारी, ऑथ डॉट जी एस बना लेते हैं, और प्रोडक्ट डॉट जी एस रहेगी। प्रोडक्ट डॉट जी एस, ठीक है। ये हो गया हमारा कंट्रोलर
हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई सारी, इसको सीएलएस कर लेंगे। अपने एजेंडा में चलते हैं, सबसे बेसिक बात क्या था, मेक फोल्डर स्ट्रक्चर वाला भी हो गया। अब सर्वर सेटअप करना है हमें, और रूट फाइल में सबसे मेन फाइल जो हमारी होगी वो बनाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये हो गया हमारा, और हम इसमें टाइप मॉड्यूल लेके चलेंगे, जिससे अगर हमें कभी इस प्रोजेक्ट को टाइप स्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ा तो हमें सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करने रहेंगे। पैकेज डॉट जेएसन में आते हैं और यहाँ पर लिख देंगे टाइप मॉड्यूल, लिखेंगे टाइप मॉड्यूल, ठीक है ना। इससे हम रिक्वायर नहीं लिखना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट फ्रॉम करके हम लिख सकते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट ई को ही, इंपोर्ट डॉट ई फ्रॉम डॉट ई। एक चीज़ हम भूल गए, हमें इंस्टॉल करना है npm i st में लिख देंगे नोड मॉन। तो अभी हमारी डिपेंडेंसी में इतनी डिपेंडेंसी आ गई है, और टेप डिपेंडेंसी अभी आ जाएगी यहाँ पे, जो कि होगी हमारी नोड मॉन। ये आ गया नोड मॉन, ठीक है ना। और यहाँ पर किट और जेसन में स्क्रिप्ट बना लेंगे एक, टैप करके, जो कि होगी नोड मॉन इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है। और हमें स्टार्ट बनानी होगी तो हम स्टार्ट ही बना लेंगे नोड डॉट जे एस करके, स्टार्ट ही बना सकते हैं, स्टार्ट स्टार्ट नोड इंडेक्स डॉट जे एस। बेसिकली जब भी हम npm रन डेप करेंगे तो ये हमारी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, और हमें सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा बार बार। डॉट ई को कॉन्फिग भी यहीं कर लेते हैं, डॉट ई डॉट कॉन्फिग, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हो गया। ऐसे ही हमारा हो जाएगा बॉडी पार्सर, इसको बॉडी पार्सर हमारा ऐसे हो जाएगा, बॉडी पार्सर हो गया। सेम कवर्स कर लेंगे, कवर्स भी हो गया। अब कॉन्स्ट एप इक्वल टू एक्सप्रेस, बार एप डॉट यूज क्या करेंगे, कोर्स कर देंगे, ठीक है। ये हमारा मिडिल वेयर हो गया, कोर्स का हो गया, एक हो गया एप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। और कौन सा मिडिल वेयर बना सकते हैं, बॉडी पार्सर का भी बना सकते हैं, एप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन। और इसके अंदर अगर हमें लिमिट देनी है कितने एमबी तक का जेसन आए हमारे पास,
हम उसके उसकी भी लिमिट दे सकते हैं, यहाँ पे लिमिट दे सकते हैं, लिमिट 50 MB, ठीक है। एक और बना लेंगे URL encoded का, यहाँ पर लिख देंगे URL encoded, body password dot URL encoded, लिमिट हो जाएगी ये। और यहाँ पे एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड ट्रू कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही चलेगा हमारा। अब एक हम फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे स्टार्ट सर्वर नेम से, उसके पहले डेटाबेस में जाके डेटाबेस डॉट पी एच पी में बना लेते हैं अपना। हम उससे भी सबसे मेन चीज़ जो हम भूल रहे हैं वो बनाना हमें डॉट ई एन वी फाइल, डॉट ई एन वी है ना, जिसमें हम अपने सारे वेरिएबल स्टोर करेंगे। तो एक तो हो गया हमारा डी बी यू आर एल है ना, डी बी URL, और ये पोर्ट और ये सीक्रेट मैं एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ, मैंने लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो हमने अपना रख दिया सारा डॉट इन वी वेरिएबल बना के। अब आते हैं इंडेक्स डॉट जी एस फिर दोबारा, और हम अपना बनाएंगे एक फंक्शन स्टार्ट सर्वर, कॉन्स्ट स्टार्ट सर्वर। थोड़ा अलग अलग तरीके से आज कोड लिखेंगे, वही पुराने तरीके नहीं फॉलो करेंगे जैसे आपने देखे होंगे लास्ट कई सारे वीडियो। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए नए तरीके से, हमेशा ऐप डॉट लेसन ही नहीं चलाना चाहिए कि ऐप डॉट लेसन लिख दिया और काम करते रहे उस पर। कैच करेंगे इसको एरर को, ठीक है, ट्राई कैच बना लिया हमने। अब इसके अंदर हम अपना पोर्ट लेंगे सबसे पहले, तो हमारा हो जाएगा कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट और कॉलन कॉलन 6000 लिख देते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्ट डी बी यू आर एल, मोंगो डी बी का जो यू आर एल होगा हमारा, लोकल वाला भी हो सकता है लेकिन मैं यूज करूँगा मोंगो डी बी एटलेस का। तो हो गया हमारा मोंगो डी बी यू आर एल, ये भी हमारा सेम हो जाएगा प्रोसेस डॉट ई एन बी, और ये हो जाएगा हमारा डी बी डी बी यू आर आई। हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है डी बी यू आर एल ना, अगर मान लो प्रोसेस डॉट ई एन बी से नहीं भी गेट हुआ तब भी हम इसको बना लेते हैं एक डेटाबेस अपना, और यहाँ पर लिख देंगे डेटाबेस का नाम चेंज करके लिख देंगे ई कॉम ए पी आई, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये दो चीज़ हो गई हमारी। अब डेटाबेस डॉट पी एच पी में आते हैं सबसे पहले, तो थोड़ा कन्फिग तरीके से बनाएंगे, अलग फोल्डर में हम इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे मंगूस, मंगूस आ गए हमारे, मंगूस हो गया इंपोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस मंगोडीबी डेटा कनेक्शन के लिए। अब हम फंक्शन बनाएंगे कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है ना, कनेक्ट टू डेटाबेस आ गए, कॉन्स्ट कनेक्ट टू डेटाबेस नेम से हम एक अपना एरो फंक्शन बनाएंगे एसिंक, ये हो गया URL, ठीक है ना। अब इसमें बनाएंगे ट्राई कैच, ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे इसको रिटर्न
mongoose.connect, जो हमारे यू आर एल में जो पैरामीटर मिलेगा यू आर एल वाला वो, ठीक है ना, डॉट देन, जब ये कनेक्ट हो गया तो देन फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्रोल लॉक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। ये हो गया, अगर ये नहीं कनेक्ट हुआ तो हम कैच लिखेंगे, डॉट कैच, कैच में एक्सेप्शन आ जाएगा हमारा, उसके बाद प्रिंट कर देंगे कंसोल लॉग ही, कंसोल डॉट लॉग ई, ये हो गया। और उसके बाद भी अगर कोई एरर आती है तो कैच में आ जाएगी हमारी, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ऐसे हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने फंक्शंस को, कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा, डायरेक्ट कनेक्ट टू डेटाबेस, डन हो गया काम, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट जी एस में इसको करेंगे इंपोर्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें ऊपर, यहाँ पे आएंगे इंपोर्ट कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है ना, फ्रॉम कॉन्फ़िग डेटाबेस, ठीक है ना, ये हो गया। अब आएंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे लिखेंगे अवेट कनेक्ट टू डेटाबेस, और इसमें अपना डी बी यू आर आई पास कर देंगे, डी बी यू आर एल, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। उसके बाद आई एफ डॉट लिसन, आई एफ डॉट लिसन पोर्ट, और यहाँ पर लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, हो गया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, डॉलर पोर्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई एरर आई तो कंसोल डॉट लॉग एरर हो जाएगा, और हो जाएगा एग्जिट वन, ठीक है ना। और हम ये स्टार्ट सर्वर फंक्शन अपना कॉल कर देंगे सबसे नीचे, ठीक है। तो हमारा सर्वर और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट डन हो गया, ठीक है ना। तो अब हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नोडमॉन, और नहीं नोडमॉन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे npm रन dev, क्योंकि dev स्क्रिप्ट हमने बना ली है। यहाँ पे कुछ एरर आई हमारी, नोड इंडेक्स डॉट जे एस,
मॉड्यूल कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, कॉन्फिग डेटाबेस डॉट पी एच पी, क्या नहीं मिल रहा है इसको, इम्पोर्ट तो हुआ है ये, यहाँ पे आते हैं डॉट ई एन बी, ठीक है, कनेक्ट टू डेटाबेस डी बी वर्ल भी है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे दो स्लैश रहेगा, दो तो नहीं है, कॉन्फिग डेटाबेस डेटाबेस डॉट जे एस भी लगाना रहेगा यार इसमें, और यहाँ पे सिंगल ही रहेगा वो, ठीक है ना, तो अभी देखिए डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली और सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 6000 पे आ गया, लेकिन कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं और सी एल एस कर रहा हूँ, और फिर से करते हैं इसको एन पी एम रन डेव, तो अब हमारा आना चाहिए डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया और सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 6000 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे जी एस भी लगाना था, तो हमारा एजेंडा का जो था थर्ड पॉइंट तक ख़त्म। अब हम अपना क्रिएट करेंगे मॉडल्स, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डेटाबेस मॉडल बनाएंगे मोंगोडीबी में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने यूजर मॉडल, यूजर डॉट जे एस, ठीक है, यूजर डॉट जे एस बनाएंगे, और उसके बाद एक अपनी मॉडल बनाएंगे कैटेगरी, कैटेगरी डॉट जे एस, और तीसरी मॉडल हमारी बनेगी प्रोडक्ट डॉट जेएस, ठीक है ना, सर्वर बंद कर देते हैं, नहीं तो ये अपने आप ही रिस्टार्ट होता रहेगा बार बार, ठीक है ना, तो एक बार हम अपना मॉडल बना लें, फिर से रिस्टार्ट करेंगे उसको, और एक ही पे एंड पॉइंट बनाने के बाद, ठीक है, तो यूजर मॉडल से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं यूजर में, तो यूजर में भी हमें इंपोर्ट करना होगा मंगूस, क्योंकि इंपोर्ट मंगूस, ठीक है ना, फ्रॉम मंगूस, उसके बाद लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा में मंगूस लिखेंगे मंगूस डॉट स्कीमा, और यहाँ पे आ जाएगा वो करें सारी चीज़ें, तो नेम बनाएंगे, नेम के अंदर क्या क्या आएगा हमारा, सबसे पहले तो टाइप इसका होगा स्ट्रिंग, ठीक है, ट्रिम कर देंगे ट्रू, तो वाइट स्पेस आएगा तो ये डेटाबेस ही ट्रू हो जाएगा, और रिक्वायर्ड करेंगे हम ट्रू, रिक्वायर्ड भी ट्रू करेंगे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा नेम, ऐसे इसको हम कॉपी करेंगे और अपना ईमेल बना लेंगे, फ़ोन बना लेंगे, और पासवर्ड बना लेंगे, और जो जो चीज़ चाहिए होती हैं, और क्या चीज़ चाहिए होती हैं, स्टेटस बना सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ बना सकते हैं, ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही लेके चलते हैं, नेम और हमारा ईमेल,
अभी टाइप स्ट्रिंग रहेगा और फोन नंबर लेंगे, ये रिक्वायर्ड इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। फोन पर ये हो गया, उसके बाद हो गया पासवर्ड, ठीक है। स्टेटस ले सकते हैं और रोल भी ले सकते हैं, चलो रोल ले लेते हैं, ठीक है ना। रोल क्या है इसका, इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं पासवर्ड को छोड़ के स्टेटस भी फॉल्स कर दो, रोल भी फॉल्स कर दो, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और करेंगे हम, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और एक अपडेट और बनाएंगे जिसमें हम वर्जन की जो है ना, वर्जन की जो हमें रिस्पांस में MongoDB डेटाबेस में आपने देखा होगा रिस्पांस में वर्जन की देता है, तो उसको फॉल्स कर देंगे। और जो हमारा टाइम्स टाइम होगा ना, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट टाइम्स, टाइम्स को हम कर देंगे ट्रू, तो हमारे क्रिएटेड एट अपडेटेड एट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा डन, यार मॉडल हो गया ख़त्म। अब कॉन्स्ट यूजर नेम से इसको बनाएंगे, यूजर इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल, वो पहले स्कीमा था, मॉडल में इसको कन्वर्ट करेंगे हम मॉडल फंक्शन से, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा यूजर, ये हो जाएगा हमारा यूजर मॉडल, और किस स्कीमा से, यूजर स्कीमा से, यूजर स्कीमा से यूजर मॉडल बन गया, और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर, मैं यूजर नाम से कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो ये बन गई हमारी यूजर मॉडल, ओके। ऐसे ही सेम प्रोडक्ट मॉडल और कैटेगरी मॉडल बना लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा हमारा, तो कैटेगरी मॉडल में आ रहे हैं। सबसे पहले इम्पोर्ट मंगूस करेंगे, इम्पोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस, इसमें भी कॉन्स्ट कैटेगरी स्कीमा इक्वल टू मंगूस, मंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है, ये हो गया। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, नेम जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड करेंगे ट्रू, ठीक है, नेम हो गया। कैटेगरी में सिर्फ नेम ही ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, ईमेल वैसे हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे लेकिन ले लेते हैं फील्ड, ठीक है ना। इसकी भी टाइप जो होगी वो होगी स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड होगा इसका फॉल्स, ये हो गया हमारा इमेज का, ठीक है ना। इसमें स्टेटस भी ले सकते हैं कि एक्टिव इनएक्टिव करने के लिए, मॉडल का क्या बोलते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स ले सकते हैं जैसा आपका यूज हो, ठीक है ना। और अगर आप इसमें इंडेक्सिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो इसमें भी हम पहली बार तो यूजर मॉडल में जाएंगे और यहाँ से वर्जन की वाला है इसको उठा लेते हैं, कैटेगरी मॉडल में आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
हमारा कैटेगरी मॉडल उठाएंगे, कैटेगरी पेस्ट कर देंगे है ना, जहाँ यहाँ यूजर है वहाँ पे कैटेगरी कर, ठीक है। और आपको मैंने कहा था थोड़ा एडवांस फंक्शन बताऊंगा, तो यहाँ पे आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी स्कीमा डॉट इंडेक्स नेम को अगर आपको इंडेक्स करना है सर्चिंग के लिए, तो यहाँ पे आप नेम इक्वल टू टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सर्चिंग की स्पीड बढ़ा देगा बस। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी स्कीमा। अब सेम हम प्रोडक्ट में भी बना लेते हैं, अभी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए भी सेम बन जाएगा हमारा, ठीक है ना, बस हमें नेम चेंज करना है, ठीक है। तो कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ जहाँ कैटेगरी लिखा है वहाँ वहाँ हम वहाँ वहाँ हम प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट हो गया, बस यहाँ पे थोड़ा स्मॉल भी करना होगा, प्रोडक्ट स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा, ठीक है ना, और ऊपर प्रोडक्ट स्कीमा। तो इसमें भी नेम हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट का इमेज हो जाएगा, और प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन भी होता है, ठीक है ना, कैटेगरी में भी डिस्क्रिप्शन दे सकते थे लेकिन चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन होगा, ईमेल होगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, कैटेगरी, ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। तो कैटेगरी मॉडल हमने पहले बना ली है, तो हम इसमें रेफरेंस यूज करेंगे कैटेगरी कैटेगरी, और यहाँ पे आएंगे इसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग वगैरह नहीं, ये मंगोस की ऑब्जेक्ट आईडी होगी, क्योंकि हम जैसे रिलेशनल डेटाबेस में आपने देखा होगा कि हम फॉरेन आईडी यूज करते हैं जब हम किसी एक टेबल से दूसरे टेबल से रिलेशन लगाते हैं, तो ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, इसमें रेफरेंस बनते हैं, लेकिन तरीका वही होता है, हमें आईडी रेफरेंस आईडी तो लगानी रहेगी, उसमें फॉरेन आईडी लगाते थे, इसमें रेफरेंस आईडी लगाएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी मंगूस डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। और रेफरेंस किस कैटेगरी से होगा, जैसे उसमें रेफरेंस उसमें भी देते थे हम रिलेशनल डेटाबेस में कि हमें किस टेबल से रिलेशन लगाना है, तो हम रेफरेंस में इसमें भी देंगे कैटेगरी टेबल अपनी, कैटेगरी कैटेगरी मॉडल, ठीक है ना। तो ये भी हमारा हो गया डन, इसमें भी स्टेटस दे सकते हैं, प्राइस सबसे मेन चीज़ है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है ना, कैटेगरी हो गई और प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। कैटेगरी सब कैटेगरी और ये इतनी सारी चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। तो हमारी मॉडल फूट जो हमारा काम था वो भी रेडी हो गया है, इसमें भी हमारा नेम की इंडेक्सिंग लग गई है और प्रोडक्ट स्कीमा, तो सारी चीज़ें कंप्लीटेड हैं। अब हमारा काम है कंट्रोलर पे, कंट्रोलर पे हम एक बनाएंगे अपना डॉट जे एस, और एक बना लेते हैं अपना प्रोडक्ट कंट्रोलर, नहीं नहीं इसको बना, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जे एस, ठीक है, और इसको ऑथ न करके ऑथ कंट्रोलर कर लेते हैं, ठीक है, ऑथ कंट्रोलर
auth controller dot js, ठीक है। सबसे पहले auth वाला पार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना क्रिएट कैटेगरी और क्रिएट प्रोडक्ट और सारी चीज़ें प्रोडक्ट कंट्रोलर में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं auth js auth controller से। कंट्रोलर में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इम्पोर्ट यूजर फ्रॉम, और इम्पोर्ट करेंगे डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूजर यूजर डॉट जेएस, ठीक है। ये हो गया हमारा डन। अब उसके बाद हमें इम्पोर्ट करना है जे डब्ल्यू टी फ्रॉम जेसन वेब टोकन, क्योंकि हमें इसी का काम है ज़्यादातर हमें ऑथेंटिकेशन के लिए, और तीसरा हमें पासवर्ड को हैश करने के लिए, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमें कभी भी प्लेन पासवर्ड नहीं सेव करना चाहिए डेटाबेस में। हमारा डेटाबेस अगर हैक हो गया तो क्या होगा यूजर्स का, इसलिए बिक्रिप्ट का यूज करेंगे, इम्पोर्ट बिक्रिप्ट फ्रॉम क्रिप्ट। बिक्रिप्ट हो गया, ठीक है ना। हो गया रजिस्टर यूजर, तो यूजर करेंगे सबसे पहले तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करने से अच्छा है फंक्शन में ही एक्सपोर्ट लगा दो और वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर, ठीक है, इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स हो गया। अब आते हैं ट्राई कैच ब्लॉग बनाएंगे। ट्राई कैच हमें क्या क्या लेना है, लेट नेम ईमेल फोन पासवर्ड, इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग करके हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम गेट कर लेंगे। बॉडी क्यों नहीं है, ठीक है डन। अब लिखेंगे कॉन्स्ट डॉल्ट इक्वल टू अबेट बिक्रिप्ट डॉट इन साल्ट, साल्ट जनरेट करेंगे 10 करेक्टर का, ठीक है ना। उसके बाद हाइस्ट पासवर्ड बनाएंगे कॉन्स्ट हाइस्ट हाइस्ट पासवर्ड इक्वल टू अबेट बिक्रिप्ट डॉट एस पासवर्ड और साल्ट, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल टू न्यू यूजर नेम और नेम हो जाएगा, ठीक है ना। ईमेल ईमेल हो जाएगा, ठीक है। फोन फोन हो जाएगा, ठीक है ना। पासवर्ड में हाइस्ट पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अबेट न्यू यूजर डॉट सेव, न्यू यूजर सेव कर लेंगे डन। उसके बाद
रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन मैसेज करेंगे, अपना मैसेज सेंड करेंगे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैसेज हो गया हमारा ये, और यूजर रिटर्न करेंगे यूजर, और हमारा ये जो न्यू यूजर बना है, ठीक है ना, नहीं जो यूजर हमने सेव किया है यूजर, ठीक है। और इसमें रिटर्न करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 भी सेंड कर सकते हैं, 420 भी सेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना, जो आपका मन कहे मैं 420 भेज दूंगा बल्डी सीनियर। और 500 ये होता है वो इंटरनल सर्वर इधर होता है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा मैसेज, और मैसेज में भेज देंगे एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज है ना। तो हमारा ये रजिस्टर फंक्शन हो गया, अब सेम बना लेते हैं लॉगिन के लिए भी। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर लॉगिन, ठीक है, इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स और ट्राई कैच इसमें सिर्फ हम ईमेल और पासवर्ड लेंगे, तो सिर्फ डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे ईमेल और पासवर्ड की। ईमेल और पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट कॉमो बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है ना। और रिजल्ट इक्वल टू हम एक ब्लैंक अपडेट बना लेते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले फाइंड यूजर करेंगे कि हमें यूजर मिलता है कि नहीं इस ईमेल से। फाइंड यूजर इक्वल टू अबेट यूजर, यूजर डॉट फाइंड वन फंक्शन का यूज करेंगे, यूजर डॉट फाइंड फाइंड वन, फाइंड वन में ईमेल कॉलन ईमेल, ठीक है ना। अगर हमें यूजर नहीं मिलता है तो हम डायरेक्ट ऐसे भेज सकते हैं फाइंड यूजर एंड एंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस फोर हंड्रेड डॉट जेसन, और यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, ठीक है ना। और उसके बाद वैलिडेशन पासवर्ड जो हम पासवर्ड भी चेक करेंगे कि पासवर्ड सही है कि नहीं। काउंट वैलिडेटेड इक्वल टू अबेट विक्रिप्ट डॉट कंपेयर पासवर्ड फाइंड फाइंड यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है ना। दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर ए वैलिडेटेड नहीं हुआ, अगर नॉट वैलिडेटेड एंड एंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस
422.json. इनकरेक्ट पासवर्ड. कौन टोकन इक्वल टू जे डब्ल्यू टी डॉट साइन आई डी. हम एक जे डब्ल्यू टी टोकन क्रिएट करेंगे तो फाइंड यूजर से फाइंड यूजर की जो डॉट अंडर स्कोर आई डी होगी उससे, ठीक है ना, फाइंड यूजर डॉट आई डी. और इसमें जो पैरामीटर जाएगा वो क्या होगा, process.env, और वो होगा हमारा डी डब्ल्यू टी सीक्रेट. अपना ई एन वी फाइल कहाँ गई, ये है ई एन वी फाइल, और यहाँ पे डी डब्ल्यू टी सीक्रेट में और टोकन कोई भी इसमें स्ट्रिंग आप दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बस एक स्ट्रिंग चाहिए इसको क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना. अब हम अपने रिजल्ट के अंदर ही एक्सेस टोकन को भी ऐड करके सेंड करेंगे, तो रिजल्ट जो होगा हमारा वो ये जो थ्री डॉट का यूज़ करते हैं इसका मतलब जानते होंगे आप, फाइंड यूजर डॉट अंडरस्कोर डॉक. ये भी उसके अंदर की प्रॉपर्टी, कभी आप यूजर को फाइंड आउट करके उसको प्रिंट आ करके देखेंगे तो उसके अंदर एक डॉक प्रॉपर्टी आती है, तो वहाँ से ये चीज़ें आती हैं. ठीक है, और डॉक के अंदर मतलब बेसिकली यूजर डिटेल की ही होती है उसमें जो मेन, और इसके अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं एक्सेस टोकन, इसके लिए हम थ्री डॉट यूज कर रहे हैं, तो एक्सेस टोकन नेम से एक की और ऐड हो जाएगी डॉक के अंदर, जो कि हमने जो टोकन क्रिएट किया है वो. ठीक है, ये हो गया हमारा काम डन. इसके बाद रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस 200 डॉट जेसन में भेज देंगे रिजल्ट. ये हो गया हमारा रिजल्ट चला गया, ठीक है ना. और इसमें हम क्या भेजेंगे, रिस्पॉन्स डॉट 200, ये ऊपर वाली लाइन हमने लिखी हुई है वही कॉपी करके डाल देते हैं. तो ये था हमारा यूजर लॉगिन का हो गया. अब आते हैं हम राउट्स बनाएंगे, ठीक है ना. ऑथ राउट में आते हैं, राउट के अंदर एक जो ऑथ राउट बना है इसके अंदर इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस हो गया. फिर उसके बाद हम इम्पोर्ट करेंगे अपना जो जो फंक्शन हमें इम्पोर्ट करने हैं, जैसे रजिस्टर यूजर कॉमा लॉग इन यूजर, और कहाँ से करने हैं, फ्रॉम यूजर कंट्रोलर से. एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश ऐप स्लैश कंट्रोलर स्लैश ऑथ कंट्रोलर डॉट एस, ठीक है ना. ये हो गया हमारा काम डन. और यूजर राउटर बनाएंगे कॉन्स्ट ऑथ राउटर, ऑथ राउटर
इक्वल टू प्रेस डॉट राउटर, डन आ जाएगा हमारा यूजर राउटर। यूजर नहीं, और राउटर राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट मीटर बनाएंगे अपना, और यहाँ पे होगा रजिस्टर, रजिस्टर, और यहाँ पे हो जाएगा रजिस्टर यूजर, है ना। ये हमारा हो जाएगा लॉगिन के लिए, स्लैश लॉगिन और स्लैश रजिस्टर, ठीक है ना। और लॉगिन यूजर के लिए हमारा हो जाएगा यूजर लॉगिन, डन। अब हम आते हैं अपने मेन डॉट जी एस पे, इंडेक्स डॉट जी एस पे जो हमारी मेन है, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे राउट्स को। तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे करेंगे auth routes, ठीक है। उससे पहले ऊपर इंपोर्ट करेंगे यहीं पर इंपोर्ट करते हैं routes, इंपोर्ट routes, जितने भी routes होंगे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट ऑथ राउट्स फ्रॉम, एक मिनट, यहाँ पे हमने राउट्स तो बना दिया लेकिन इसको एक्सपोर्ट कहाँ किया, बिना एक्सपोर्ट किए हम इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे ना। सबसे पहले राउट्स में जाके इसको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे ऑथ राउटर, ठीक है, तभी हम यहाँ पे आके ऑथ राउट्स को इंपोर्ट कर पाएंगे फ्रॉम राउट्स स्लैश ऑथ राउट्स, ठीक है ना, डॉट स्लैश राउट स्लैश ऑथ डॉट जी एस, ठीक है ना। और यहाँ पे हम मिडलवेयर बना लेंगे उसका, एप डॉट यूज, और यहाँ पे हमारा जो API एंड पॉइंट होगा वो होगा API स्लैश ऑथ, यहाँ पे वर्जन भी दे सकते हैं API स्लैश B1 स्लैश ऑथ, ऑथ कर सकते हैं या तो यूजर कर सकते हैं, ठीक है ना, यूजर और स्लैश रजिस्टर हो जाएगा, वो सही लगेगा। तो इसके आगे जो हमारा जो हमने राउट बनाया है वो कॉल होगा, मतलब बेसिकली हमारा एंड पॉइंट ये बनेगा कि डोमेन नेम स्लैश API स्लैश B1 स्लैश यूजर और स्लैश रजिस्टर और स्लैश लॉगिन, ऐसे हमारा राउट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑथ राउट्स, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा डन हो गया। सबसे पहले ऑथ API को हम टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन पे, उसके बाद प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, प्रोडक्ट और कैटेगरी और उसमें पॉपुलेट फंक्शन वगैरह देखेंगे, एडवांस फंक्शंस। तो रन करते हैं अपना सर्वर npm run dev, रन हो गया कनेक्टेड सक्सेसफुली, और हम ये अपना खोलेंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन ओपन हो रहा है, तब तक हम देख लेते हैं कोई इशू तो नहीं है, सर्वर रन हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे आते हैं ई कॉमर्स रेस्ट API पे और रजिस्टर फंक्शन पे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नेम लिख देंगे यूजर का,
कोडिंग डिजिटल डिजिटल है ना, कोडिंग एट जी मेल डॉट कॉम, और पासवर्ड वगैरह सेम रख देते हैं, ठीक है ना, और सेंड करते हैं। ऑडिट होना 6000 पे रन हो रहा है, ठीक है ना। ब्राउज़र का तो हमें कोई स्लैश एंड पॉइंट राउट बनाया नहीं है, फिर भी हमें एक बार लोकल होस्ट होस्ट कॉलम 6000 करके देख लेते हैं एक बार, और अपने पोस्टमैन पे आते हैं। ये बहुत टाइम ले रहा है पोस्टमैन। एक स्लैश इनपुट बना के देख ही लेते हैं, ठीक है ना। ऐप डॉट गेट स्लैश, ठीक है ना, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे हो जाएगा सर्वर इज रनिंग, ठीक है ना। फिर से सेंड करते हैं एक बार, पर वो तो रनिंग है, कोई इशू भी नहीं है। तब ये क्या बता रहा है, ओके दोस्तों, ये शायद मेरा लोकल होस्ट शायद थोड़ा स्लो हो गया है, ये काफ़ी टाइम ले रहा है। तो हम एक बार पोस्टमैन बंद कर देते हैं और थोड़ी देर बाद चल पाएंगे, तब तक हम अपना प्रोजेक्ट वाला बना लेते हैं राउट, प्रोडक्ट वाला है ना। कैटेगरी मॉडल हमारी है, हम प्रोडक्ट कंट्रोलर में आते हैं और अपग्रेड करेंगे प्रोडक्ट, और कैटेगरी क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, और गेट ऑल कैटेगरी गेट ऑल प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एडवांस फंक्शन अपने देख लेते हैं, कोड डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक करके और प्रोजेक्ट रन करके अपने में भी टेस्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो हम आए आते हैं एक बार, इम्पोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डॉट जी, इम्पोर्ट कैटेगरी फ्रॉम कैटेगरी जी एस, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट न्यू कैटेगरी इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स
तो हम डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं लेट, नेम नेम लेना हमें कैटेगरी का। तो यहाँ पे हम सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है ना, और इसको बंद कर हमारा रजिस्टर यूजर वाला ऐसे। न्यू कैटेगरी इक्वल टू न्यू कैटेगरी ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा नेम, और हमारा जो नेम रिक्वेस्ट बॉडी से आ रहा है ठीक है ना। उसके बाद कॉन्स्ट कैटेगरी इक्वल टू न्यू कैटेगरी डॉट सेव, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और डॉट जेसन में कैटेगरी सेंड कर देंगे ठीक है ना। अब एक कौन सा बनाएंगे हम गेट ऑल आइटम्स का, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि अगर हम पेजिनेशन भी लगाना हो ना तो हम क्वेरी पैरामीटर में पास करके पेजिनेशन भी लगा सकते हैं बिना आउट किसी अलग फंक्शन का, क्योंकि पेजिनेट फंक्शन इसमें वर्क नहीं करता है MongoDB में लेटेस्ट वाले में। तो हमने लिमिट और स्किप फंक्शन का यूज़ करके हम बनाएंगे अपना। जैसे आपको गेट ऑल प्रोडक्ट गेट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्ट, जिसे पेज गेट कर लेते हैं ना पेजनेशन के लिए, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज ठीक है ना। हम पेज गेट कर लेंगे, अगर पेज नहीं आता है क्वेरी में तो जीरो रखेंगे डिफॉल्ट ठीक है ना। उसके बाद लिमिट कॉन्स्ट लिमिट बना लेते हैं, रिक्वेस्ट क्वेरी में लिमिट ले लेंगे, रिक्वेस्ट क्वेरी डॉट लिमिट है ना, और लिमिट ले लेंगे एक बार में 10 की या 50 की ले लेते हैं ठीक है ना। अब लिखते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू अबेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, प्रोडक्ट डॉट फाइंड में क्या क्या ले सकते हैं हम देखो, पहली बार तो सॉर्ट कर लेंगे इसको क्रिएटेड एड से ठीक है ना, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो गेट करना है तो क्रिएटेड एड हमारा हो जाएगा -1 है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, डॉट स्किप कर देंगे पेज इन टू लिमिट ठीक है ना, जितना होगा उतना हमारा स्किप हो जाएगा ठीक है ना। और उसके बाद कौन सा फंक्शन लगाएंगे डॉट लिमिट, डॉट लिमिट में जो भी हमारा लिमिट में क्वेरी पर हम भेजेंगे वो लिमिट हो जाएगी, और पॉपुलेट फंक्शन का यूज़ करते हैं कैटेगरी गेट करने के लिए ठीक है ना, जो हमने रिलेशन लगाया हुआ है पॉपुलेट करके हम कैटेगरी गेट कर सकते हैं। जो हमने प्रोडक्ट मॉडल बनाया था दो नाम हम इसमें देते हैं, ये इसमें यहाँ पे ये जो होता है ये कैटेगरी,
ये हम अगर रेफरेंस यूज़ कर देंगे तो पॉपुलेट फंक्शन का यूज़ करके कैटेगरी की सारी डिटेल एक उसका अलग ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, अरे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डन। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टू हंड्रेड डॉट जेसन प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, इसको चाहे तो हम यहाँ से कट करके ऐसे और ट्राई कैच ब्लॉक में डाल सकते हैं। ट्राई कैच ठीक है, ये हो गया गेट ऑल प्रोडक्ट। अब क्रिएट न्यू प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ये पॉपुलेट और कहते हैं हमें रेफरेंस वाला आपको बताना था, ये जो एडवांस फंक्शन है इसके। और उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स इसमें भी ट्राई गाइड ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉन्स्ट जो भी हमें लेना है, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस लेना है हमें। कहाँ से? रिक्वेस्ट बॉडी से, ठीक है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। उसके बाद कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट और यहाँ पे हो जाएगा नेम, में हो जाएगा नेम, डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और प्राइस में हो जाएगा प्राइस, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू अबेट न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव। हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और ये हो जाएगा डॉट जेसन और हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ हम इसमें मिस कर रहे हैं, यहाँ पे होगा हमारा कैटेगरी, कैटेगरी में जो हमारी कैटेगरी आईडी आएगी, ठीक है ना। कैटेगरी में कैटेगरी आईडी, ठीक है, कैटेगरी की ऑब्जेक्ट आईडी हम सेंड करेंगे तभी वो यहाँ पे पास होके आएगी। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर। राउट्स में आते हैं, प्रोडक्ट्स राउट्स में, जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ था ना, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। वही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, प्रेस जेएस हो जाएगा और कंट्रोलर में यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट्स कंट्रोलर और हमें जो जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाए थे क्रिएट न्यू कैटेगरी, गेट ऑल प्रोडक्ट, और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, इन सबको यहाँ पे रख लेंगे अपने प्रोडक्ट जीएस में।
और जहाँ जहाँ हमारा ऑथ राउट है इसको हम कर देंगे प्रोडक्ट राउटर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ऑल स्लैश, नहीं नहीं क्रिएट कैटेगरी ना, उसके बाद हो जाएगा स्लैश ऑल प्रोडक्ट, है ना। क्रिएट न्यू कैटेगरी में हो जाएगा क्रिएट कैटेगरी, ऑल प्रोडक्ट में हो जाएगा ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। एक और हमारा बन जाएगा, हो जाएगा हमारा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये हमारा क्रिएट न्यू प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इतना हमारा डन हो गया काम। लेकिन देखिए एक मिनट, हमें गेट प्रोडक्ट में यहाँ पे गेट राउट होगा, ठीक है, और एक क्रिएट राउट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। आते हैं इंडेक्स डॉट जी एस पे, फ्रेश कोर्स, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लेना है इंपोर्ट प्रोडक्ट राउटर प्रोडक्ट डॉट जी एस, ठीक है ना। और एप डॉट यूज, यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है ना, वर्जन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट राउटर, डन। अब एक बार अपना सर्वर यहाँ पे सी एल एस करके रन करते हैं, एन बी एम रन डेव, कोई इशू नहीं आया। 9000 मैंने पोर्ट से भी चेंज किया था, लेकिन एक बार चेक करते हैं शायद चल गया हो। मेरा पोस्टमैन हैंग हो गया है शायद, इसलिए काफ़ी टाइम ले रहा है वो, क्योंकि सर्वर तुम्हारा रनिंग है। तो इसका कोड सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप रन करना अपने में, मैं भी रन कर करूँगा, क्योंकि कुछ तो इशू हुआ है पोस्टमैन में, एक थोड़ा टाइम भी ले रहा है, और यहाँ पर जो हम कोई राउट हिट कर रहे हैं तो ये काफ़ी टाइम ले रहा है। तो पोस्टमैन हमारा हैंग हो गया है, तो आप एक बार कोड गिटहब से डाउनलोड करके और सेटअप करके एक बार डन करना, ठीक है ना। रन करके जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसे चल रहा है चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऑसम प्रोजेक्ट के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में इसका डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे, अगर क्या रहे टाइम रहा तो इसको डिप्लॉय करेंगे हम API गेटवे वगैरह पे, डॉकराइज से रिलेटेड अगर कोई, या क्यूबरनेट्स पे डिप्लॉय करेंगे इसको, क्यूबरनेट्स पे डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि क्यूबरनेट्स भी स्टार्ट करना है अब। डॉकर काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डॉकर का, डॉकर क्यूबरनेट्स AWS से रिलेटेड वीडियो देखना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जरूर, जो बिगनर हैं अभी इस फील्ड में। तो जितने वीडियो हैं सब बिगनर रिलेटेड ही हैं, तो बिगनर्स जो आपके फ्रेंड्स कॉलेज और हैं वहाँ पर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।